सो गाइस दिस स्टंट इज माय फेवरेट, मेरी फेवरेट है ये। प्लीज ओ वो वो। अभी टाइम हो रहा है गाइस 4 और सभी सो रखे हैं, तो आज की चाय बनाएंगे हम सबके लिए। आपको पता होगा मतलब सोने के उठने के बाद सब पीते हैं चाय। तो चलो सुबह से मैं प्रैक्टिस कर रहा था और मैंने एक वाटर कलर ड्राइंग बनाई थी जो कि 8 बजे पर देख लेना। तो चलो फिलहाल चाय बनाने चलते हैं। चाय बना रहा था गाइस बट पत्ती नहीं है। मैंने आज बनाने की कोशिश की, मेरे साथ ही पपट हो गया। अब मिल भी नहीं रही ये, तो गाइस खाली हो गया। देखो सारा सामान खेल दिया मैंने बट फिर भी नहीं मिल रही। दिखाता हूँ, यूजुअली इसके अंदर होती है बट बाकी सब पैकेट पड़े हैं, पत्ती का पैकेट ही नहीं है। इनको वापस डालता हूँ। पीयूसी पत्ती पता कहाँ है? हाँ डिब्बे में तो नहीं है। बड़ी मिस हुई है। बड़े पापा तेरे को नहीं पता कहाँ है? नीचे डिब्बे में होगी। डिब्बे में नहीं है। नीचे आज की फोन नहीं मिला तेरे को? क्यों आज मम्मी ने फोन नहीं दिया? नहीं तो पबजी खेल रहा था इस टाइम तक। तो झूठ मत बोल। नहीं ढूंढ ढूंढ नहीं खेलता, नहीं खेला, सॉरी मजाक कर, सॉरी। पीयूसी आज मैंने पता क्या सोचा? मैंने सोचा आज मैं सबके लिए चाय बनाऊंगा, सबके लिए। मैं मेरे साथ पोपट हो गया। पत्ती थोड़ी थी। हैं? पत्ती कम थी। कम क्या, थोड़ी बिल्कुल थी नहीं इसमें। इसको निकाल। उसमें देख लिया मैंने, उसमें है ही नहीं। मम्मी से पूछी बार, मम्मी से पूछ ले। भाई नहीं है, भाई नहीं। आज फोन नहीं है तो गाइस आज एक कार्टून देख रहा है। मेरे को चाय बनानी है। जाओ फिर बना। कैसे बनाऊं? हेल्प तो कर दे, मेरे साथ ही पोपट होना था। यहाँ तो दाल वाल पड़ी है। मम्मी जी चाय पत्ती कहाँ है? अच्छा इधर है, मैं उधर देख रहा था यार। हाँ मिल गया, मिल गया। अब क्यों आ रहा है? क्यों? अब क्यों आ रहा है? क्यों? जब मैंने बोला जब तब आया था। और चीज गाइस हम अपनी चाय में अलग से दूध डालेंगे उस दिन की तरह। इसमें एक आलू डाल दूं? आलू गाइस प्रैंक करें सबके साथ। एक आलू है मेरे पास ये जो कि उबाल रखा है, इसको इसके अंदर डाल देता हूँ पीस के और सबको सबके साथ प्रैंक करते हैं। कहेंगे तो आज चाय बना रहा है और आज ही हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो ऐसा नहीं करेंगे हम व्लॉग्स बनाते हैं, हम व्यूज के लिए कुछ भी इस तरह का नहीं करेंगे। जो भी होता है हमारे लाइफस्टाइल में, जो भी हम करते हैं, जैसे मैं चाय बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहे हैं, जो नेचुरल होता है वो हम कर वो हम वीडियो में दिखाते हैं। नींबू नहीं चढ़ दूं? हाँ बट कुछ इस तरह का नहीं पागल है फट जाएगी चाय। तो कुछ इस तरह का प्लान या फिर प्रैंक हो गया या फिर कुछ इस तरह का ओ तो हाँ बस सिंपल नेचुरल जो होगा दिखाएंगे। सच्ची में कर रहा है, पागल तो नहीं है? पूरा खराब हो जाएगी चाय। नींबू नहीं तोड़ रहेगा इस चाय में। गाइस 100 के होने वाले हैं, सब्सक्राइब कर देना। ओनली 700 बाकी है। उनका तो ये कप है, उनका ये वाला। मैंने चाय भी गिरा दी है, लो आप ही डाल लो। कुछ क्या नहीं डाल रहा, इसे मैं डाल दूं? डालो फिर कैमरा पकड़। तो सरदा चाय डाल रहे हैं, सर जैसे आठ पीरियड टी फॉर फैमिली। इस व्लॉग का ये कंटेंट रहेगा गाइस। तेरी तो हो गई है, तेरी हुई है। क्या हुई है? बेइज्जती। तू उनको दे यार, आपा फिर कर लेंगे अपना, पहले उनको दे आते हैं। चल इसके लिए डाल दी। मुझे क्या पता, चार थे, चार कप, चार गिलास थे, मैंने डाल दी। देखो बड़ी मम्मी, बड़े पापा, अम्मा, इसका अम्मा ज्यादा लेती है, अम्मा के उसमें ज्यादा डाल दे। बड़ी मम्मी इसमें भी थोड़ा ज्यादा डाल दो, इधर सारों का भर दो। पी लेंगे। अपन एक काम करेंगे, अपन छोटे वाले कप में पी लेंगे, जितनी उसमें है ना उसमें से नहीं। वैसे भी दूध भी डालना है। अरे उससे क्यों पकड़ रहा है, इतनी गर्म थोड़ी ना है। पकड़ के देखो। ले कहाँ हो रही गर्म? ओह माय गॉड, चुप 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 चुप। हाय चाय है मेरे हाथ में, कोई आना मत प्लीज। लाइट ऑन कर दो। थैंक यू
बेटा पानी लेके आओ। मैंने कहा कैसे बना दी तुमने चाय? आज मेरा मन कर रहा था, मैंने सोचा चलो आज मैं बनाता हूँ चाय आपके लिए। पता नहीं कैसी बनी होगी वो, आपकी वो क्या आपके पी के पीने के बाद चलेगा पता, लेकिन कम बन गई, हमको अपने लिए खुद दोबारा और बनानी पड़ेगी। अमूली उठ गए, कहो गुड इवनिंग। सो गाइस ये है साहिल जोशी आर्ट, जो कि वीडियो में बिल्कुल भी बोलते नहीं है। पता नहीं क्या आलू को काट के क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आलू को काट के साहिल दा के आलू हम खाते हैं। मेरे आलू खा दिए, मम्मी ने अपना हाथ फिर से जला दिया। देखो तो और क्या, देखो यहाँ से जला दिया, पहले पहले जला था ये वाला अब यहाँ से जला दिया। ध्यान से काम नहीं करते हो आप, हंस रहे हो ऊपर से। आजकल गाइस पीयूष सब कुछ सीख रहा है, पूजा पाठ, ढोलक, सफाई, सब कुछ। सुबह जल्दी उठ जाता है बड़े पापा के साथ, मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है जम के। देखो एक सारे लोग पूछते बड़े पापा बड़ी मम्मी, हमारे यहाँ ना ताऊ जी और ताई जी को बड़े पापा बड़ी मम्मी बोल सकते हैं। वो अपने मन की बात है बेटा, कोई ताऊ ताई बोलता है जिसका जितना कोई कोई। तो अब मैं आपको थोड़े हमारे पहाड़ी वर्ड बताता हूँ जो कि आपको मेरे व्लॉग्स में सुनने को मिलते होंगे, जैसे कि ईजा। ईजा होता है मम्मी जी पहाड़ी में, तो अगर मैं ईजा बोल रहा हूँ तो समझ जाना मैं मम्मी बोल रहा हूँ। और आपने मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी है वो, बत्ती गुल मीटर चालू, उसमें भी था मतलब बात बात के बाद में ठहरा बल बोलते हैं। तो हमारी लैंग्वेज में ऐसा ही होता है, अगर मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ जैसे ये मेरी मम्मी है, मैं मम्मी को बोलूँगा मेरी मम्मी ठहरी ऐसे, तो ठहरा बल ये हम बात के बाद में बोलते हैं। तो हाँ वो भी समझ जाना अगर मैं बोलूँ ठहरा बल। पीयूष मेरे को और साहिल को बोलता है सौरभ दा और साहिल दा। हमारे से अपने से बड़ों का नाम ऐसे नाम लेके नहीं बोलते हैं। यहाँ हरियाणा में तो तू तड़ाका कुछ नहीं समझते, भाई बहन कुछ नहीं, बड़ा छोटा कुछ नहीं समझते, यहाँ सब ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ बोला है तो बड़े की तरह बोल दद्दा करके बोलते हैं, दद्दा बड़े भाई को, छोटा दद्दा, बड़ा दद्दा ऐसे बोलते हैं, छोटा दद्दा, पीयूष दद्दा, साहिल दद्दा ऐसे। तभी पीयूष बोलता है सौरदा साहिल, मतलब शॉर्ट में बदल देता है सौरदा साहिल दा ऐसे बोलता है। देखो गाइस कितना संस्कारी है, नीचे बैठ के पी रहा है, पापा जी बैठे ना अब इसीलिए डरता है कहीं गिर ना जाए, बिस्कुट का चूरा ना गिर जाए, चाय ना गिर जाए। तो गाइस आज मम्मी जी व्लॉग कर रहे हैं, मैंने मम्मी जी के हाथ में कैमरा पकड़ा दिया है, तो आप कर सकते हो। हेलो गाइस, आगे यही बोलना आता है बस, सब और क्या बोलूं फिर, अब बोलने तो नहीं आता और कुछ। सब कैसे हो पूछ लो, कैसे हो, किसको बोलो कैसे हो, देखते हैं लोग अभी, आपको पता कितने हजार लोग देखेंगे। ये तो तुम बोलो ना, यहाँ बोलो ना, बाबा जी नहीं बोलेंगे। आप ठीक हो, आज हमको सौरभ ने चाय पिलाई थी, बहुत अच्छी बना रखी थी, बहुत स्वाद लगी बोलो थैंक यू। रियल लगता है, रियल बोल बेटा, अरे अभी आदत नहीं है, रोज पीयूष का भी लगता है सही, पीयूष सही बोलता है बिल्कुल। आज तो देखो गाइस दोनों वाइट वाइट हो रखे, दोनों क्लासमेट्स। काफी लोग बोल रहे थे आप हरियाणवी बोलते हो, हाँ गाइस हम बोलते हैं क्योंकि हम बचपन से ही रहे ना, तो हरियाणवी बोल रहे हैं। साहिल ने भी आवे, पीयूष ने भी आवे, सारा नहीं आवे, पीयूष ने, हाँ पीयूष ने तो अंधी होगी बिकॉज स्कूल में मेरी भी आया कर दी, स्कूल में कोई कौन बोल रहा, क्यों कौन बोलता, मैं मैडम आके बोल रहा है स्कूल में नहीं हरियाणवी नहीं हिंदी में कोई कौन बोलता, हां ना माय क्लास में तो कोई कौन बोला करता, सारे हरियाणवी बोला करते, मैडम आके भी, मैडम भी हरियाणा होया कर दी, गांव के होया कर दी, ईब तो के बराड़े की हूं, ईब तो के बराड़े की हूं। तो गाइस देखो हमको भी आती है बोलनी, बट मैं व्लॉग में बोलता नहीं बिकॉज आपको समझ में नहीं आएगी, जो यूजली मूवीज में दिखाते ना हरियाणवी, जैसे दंगल मूवीज होगी वो हरियाणवी नहीं होती, हरियाणवी जो ठेठ हरियाणवी होती है वो आपको समझ में भी नहीं आएगी, और डायलॉग्स खतरनाक होते हैं हरियाणवी में, मतलब ऐसे ऐसे डायलॉग होते हैं ना आपको समझ में भी नहीं आएंगे, लोगों की बेइज्जती करने के लिए। उधार ले होगा मन, तेरी भैंस खोल रखी है, लाइक तेरी भैंस खोल रखी है, कोई अगर बीच में फालतू बोलते तो एकदम से बोला है कीड़ा है के, है ना। चले अभी हम जा रहे हैं गुंजन और के घर पे, बिकॉज घर पे हम हो रहे थे बोर,
तो क्रिकेट खेल लिया, रोज रोज क्रिकेट दिखाऊंगा तो बोर हो जाओगे आप लोग भी। देखते हैं वो घर पे है नहीं है। गुंजन है? गुंजन है? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी हम आए हैं एम्प्टी लेक पे दोबारा, बिकॉज और कहीं पर हम जा भी नहीं सकते। बैठते हैं आराम से, बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती मारते हैं, आराम से रिलैक्स करते हैं। ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज गाइस बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, तो सही है। ठीक है, कहाँ बैठना बताओ? तो अभी प्लान चेंज हो गया है, हम जा रहे हैं ऊपर, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर ऊपर मतलब ऊपर ऊपर जा रहे। तो गाइस यहाँ पे देखो घास घास काफ़ी बढ़िया है। दोबारा बोल देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर गाइज नहीं बोलना, गाइज आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, और उस टॉपिक का नाम है बेइज्जती। मतलब बेइज्जती एक होना, एक मतलब नहीं, मतलब अपने ही आप में एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि जब किसी की बेइज्जती होती है तब हमको हंसी मिलती है, हम हंसते हैं, हमको खुशी मिलती है। जिसकी बेइज्जती होती है उसको दुख मिलता है। बाकी जैसे मान लो हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा बेइज्जती पीयूष की होती है, पीयूष की तो सबसे ज़्यादा, लेकिन हमको बहुत खुशी मिलती है उसमें। तो हाँ ऐसे ही होता रहता है। बोलो अब, साइलेंट मत हुआ करो तुम। देख मैंने कितना हेल्प, कितना अच्छा टॉपिक पे बात की, बेइज्जती। ऐसे काम मत करो यार तुम। आपको हर किसी का टैलेंट तो पता होगा, हमारे यहाँ पे पीयूष का टैलेंट है बेइज्जती कराना अपनी खुद की। साहिल मारता स्टंट, गुंजन डांस, और ये कोहनी से बंदा मार देती है, और ये इसका क्या क्या है, क्या है ये? बस ऐसे बैठा रहता है ये, मतलब ये मतलब बोलते हैं ना वो दुनिया पे बोझ, वो है। अब इनके बारे में, इनके बारे में नहीं, मैं एक बहुत ही उम्दा कलाकार आर्टिस्ट। जो लोग बोल रहे थे साहिल के स्टंट देखने हैं, तो गाइस देख लो साहिल आज फाइनली स्टंट दिखाने वाले अपने। वाह लग गई, आज पहली बार मारी मैंने इतने दिनों बाद, दो महीनों बाद। ओहो, ताली मार दो भाई। सो गाइस दिस स्टंट इज माय फेवरेट, मेरी फेवरेट है ये। प्लीज ये ये करके दिखाओ, ये करके इसका सर के कान दिला दे। हाँ, लाइक फॉर साहिल जोशी आर्ट्स। हाँ तेरे को क्या आता है, डांस आता है? करके दिखा, डांस करके दिखा। हाँ मनिका क्या आता है? मनिका को भी डांस आता है? क्या आता है? फ्लिप करके दिखा। मुझे आता है साहिल। पीयूषी क्या आता है, क्या आता है? ये आता है। ओहो तुमको बस यही आता है, सबसे ज्यादा टैलेंटेड साहिल जोशी आर्ट्स, देन गुंजन कुछ भी नहीं है। चुप हो जा, तू सीखने के लिए मार खाएगा। पिट गया। कई दिन का तो पता नहीं क्या चल रहा है। जनता जवाब चाहती है पीयूष को क्यों मारा? ये मुझे बहुत मार रहा है, इतनी देर से इसीलिए मारा इसको पकड़ के। चलो रे अंधेरा होने वाला है। गाइस ये देखो पार्क में क्या हाल है, चारों तरफ गिलास बिखरे पड़े हैं। और ये देखो हम परसों आए थे यहाँ पे, परसों पूरा साफ सुथरा था गाइस, बिल्कुल क्लीन लग रहा था। दो दिन में ऐसा हाल कर दिया ना यहाँ का। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस घर की तरफ वापस, गुंजन को छोड़ दिया उनके घर पे। आज मम्मी जी का व्रत है, किस चीज का व्रत है? आज पूर्णिमा, पूर्णिमा का। और हमारा फेवरेट वाला प्रसाद वहाँ पे है, सत्यनारायण भगवान। साहिल मैं पकड़ लेता हूँ, तो चलो छत में चलते हैं।
तो गाइस वो रहा पूर्णिमा का चांद। वैसे तो कल है बेटा पूर्णिमा। अच्छा पर आज व्रत वाली जो व्रत रखते हैं तो आज है। क्या कह रही हूँ मैं? ये है प्रसाद, बहुत ही ज्यादा अनमोल प्रसाद, ये चरणामृत। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजा मंगलम कुंडली आख्या मंगला इतनो हरि। अम्मा कह दो वेलकम बैक, वेलकम तिलक हो नमो। अच्छी बुद्धि दे दो इसको, मेरे पास बहुत बड़ा दिमाग है, दिमाग गुस्सा होता है थोड़ी थोड़ी बातों में। सरदा को भी बुद्धि दे दे रहा। तो आज मम्मी ने बनाया गोलगप्पे, पापड़ी भी है साथ में। ये है आलू, ये है गोलगप्पे, पानी भी आ गया, पानी बनाया पापा जी ने। सभी को चार चार गोलगप्पे बांटे आए हैं। वाह पापा जी क्या पानी बनाते हो आप, बहुत टेस्टी हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है गाइस 12, तो आज भी मुझे पूरे 3 घंटे से ज़्यादा लग गया एडिटिंग करने में। एडिटिंग कंप्लीट कर लिया मैंने, तो इसका मैंने एंड वहीं पे शूट कर लिया था किले पे गुंजनों के साथ में, बिकॉज सबके साथ में अच्छा लगता है ना एंड। तो चलो देखो। तो हाँ गाइज, आई होप यू एंजॉय टुडेज व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।